मंजरों में रखे। बहुत से लोग यहां मकबरों में रखे हैं। हमारे एक एक शख्स शरीक हो जाए, हमारे सर की फटी टोपियों पर तंज न कर। मैं बता रहा हूं डॉक्यूमेंट्स, ये जितने लोग हैं सब ग्राम में डाल ले। अगर आपसे कोई पूछता है कि डॉक्यूमेंट या कागजात, तो बताना कि हम बता रहे हैं, रावत ने बता दिया था। घरों के घिसते हुए मंजरों में रखे हैं, बहुत से लोग यहां मकबरों में रखे हैं। हमारे सर की फटी टोपियों पे तंज न कर, ये है डॉक्यूमेंट। हमारे ताज अजायब घरों में रखे हैं, हमारे सर की फटी टोपियों पे तंज न कर, हमारे सर की फटी टोपियों पे तंज, हमारे ताज अजायब घरों, हमारे ताज अजायब घरों में रखे हैं। मंजर ने बताया कि यहाँ पर कई 2-3 लाख का मजमा है, अल्लाह करे ऐसा ही हो। मैं तो नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं देख पाऊँ तो मैं खुदा की कसम यहाँ से चांद और सूरज निकल आए मेरी आंखों से। इथा इसी महफिल है, मैं सुनाता हूँ कि आप सब हैं, जितने भी हैं सबके लिए मेरा मिसाल है कि साथ चलना है। ये जो बच्चे आए हैं जामिया से, लड़कियाँ आई हैं, बेटियाँ आई हैं, इन सबको शरीक करता हूँ। साथ चलना है तो तलवार उठा मेरी तरह, साथ चलना है तो तलवार उठा मेरी तरह। मुझसे बुज़दिल की हिमायत नहीं होने वाली है। साथ चलना है तो तलवार उठा मेरी तरह, मुझसे बुज़दिल की हिमायत नहीं होने वाली। और अब के जो फैसला होगा वो यहीं पर होगा, हमसे अब दूसरी हिजरत नहीं होने वाली। अब के जो फैसला होगा वो यहीं पर होगा, हमसे अब दूसरी हिजरत नहीं होने वाली। 4 मिसरे और सुन लीजिए, पिछले दिनों फैज की नज्म के माने तब्दील कर दिए, पूरे हिंदुस्तान के ही माने तब्दील किए जा रहे हैं। उर्दू ज़बान के शायर पर भी ये शमगाज गिरी। मैं ये रीत मेरी हैसियत नहीं कि मैं फैज की दिफा में कुछ कह रहा हूँ, बल्कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दुनिया के किसी भी हिस्से में किसी भी ज़ुबान में अगर कोई शायर जुल्म के ख़िलाफ़ लिख रहा है तो ये मेरी ताईद है उसके लिए। और मेरे ये 4 मिसरे हैं, ख़ास तौर पर इस जलसे में सुनाना चाहता हूँ। मेरे पीछे में बहुत ही मौजूदीन हैं, वैसी साहब राशि गुजारिश है, कह रहा हूँ कि उठा शमशीर, दिखा अपना हुनर, क्या लेगा उठा शमशीर, दिखा अपना हुनर, क्या लेगा ये रही जान, ये गर्दन है ये सर, क्या लेगा। दिखा शमशीर, शुक्रिया। दिखा अपना हुनर, क्या लेगा ये रही जान, ये गर्दन है ये सर, क्या लेगा। सिर्फ एक शेर उड़ा देगा परख के तेरे, सिर्फ एक शेर, ये रही जान, ये गर्दन है ये सर, क्या लेगा। सिर्फ एक शेर उड़ा देगा परख के तेरे, तू समझता है कि शायर है, कर क्या लेगा। सिर्फ एक शेर उड़ा देगा परख के तेरे,
तू समझता है कि शायर है एक, मैं आमतौर पर सरसरी साहब जानते भी हैं, आप भी ज्यादातर लोग जानते हैं कि मैं आमतौर पर फरमाइशें पूरी नहीं करता और कोशिश करता हूँ टल जाए, लेकिन आज अजीब गरीब मामला हुआ कि मैं इंदौर से चला हूँ, जब से लगा के कम से कम दर्जन भर फोन मेरे पास आए कि राज भाई हमको सुनने के लिए आज के जलसे में आएंगे गजब खास तौर, तो मैं इतने लोगों को नाराज नहीं कर सकता। ये लाखों लोग भी सुनना चाहते हैं। ये डेढ़ मिनट में इंशाल्लाह गजल खत्म हो जाएगी, मुझे वक्त दे दीजिए खुदा के। होने दो, जान थोड़ी है, जान थोड़ी है, अगर खिलाफ है इधर भी हैदराबादी पर आ जाए तो मजा आ जाता, यहां सामने के इसके भरोसे चल रहा सबका, कह रहा हूं कि अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है, अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है, साहब लगेगी आप तो आएंगे घर की जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर की जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, लगेगी आग तो आएंगे घर की जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है मिया, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है, मैं जानता हूं, जरा सा बारीक शेर है, लेकिन मैं ये भी मुझे एहसास है कि मैं हैदराबाद में खड़ा हूँ तो मेरा शेर जाया नहीं होगा, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है, मैं जानता हूँ कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है, मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान, एक एक परचौरी साहब जरा सा मुझे इजाजत दे दें कि एक कुछ सेकंड के लिए बात भी कह दूँ, क्योंकि पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ बहुत ही जबरदस्त चला, एक ऑडियो जो तकदीर एक साहब कर रहे हैं, मैं नहीं जानता कौन साहब है, यहाँ तो जितने भी ये साहब ही होते हैं, तो वो साहब कह रहे थे कि उर्दू का एक शायर है राहत इंदौरी जो जिहादी है, तो मैं हैरत में पड़ गया कि राय भाई मेरी उम्र 70 साल की हो गई और मुझे अभी तक पता ही नहीं चला कि मैं जिहादी हूँ, तो मैं हैरत में पड़ गया, बहुत परेशान रहा, तड़प करवटें लेता रहा, सारी शब्द गुजार दी सोचते सोचते कि हूँ कि नहीं, और साफ सुबह फजर की अजान हो गई, फजर की अजान हुई तो मैंने अल्लाह से लो लगाई कि अल्लाह तो ही मुझे कुछ इशारा फरमा कि मैं, हाँ भी मैं जोर से बोलूँगा जब तो आवाज़ आएगी, अभी कहाँ धीरे बोल रहा हूँ मैं ना, तो अगर सर सुन लें आप, मैं आपके काम की बात ज़ाया नहीं होने दूंगा, आप उनके बिना बैठे, मैंने कहा अल्लाह तू ही कोई रोशनी दे मुझे, कोई इशारा कर कि मैं जिहादी हूँ कि नहीं, मुझे ऐसा लगा कि कोई रोशनी मुझे बता रही है कि नहीं तुम जिहादी तो नहीं हो, लेकिन यार कुछ तुम हो अलग, तो मुझे ये भी अच्छा लगा कि अगर अलग हूँ तो भी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने साहब 2 लाइनें लिखी, 3 लाख लोगों की तरफ से पढ़ रहा हूँ ये शेर, संपत भाई की मौजूदगी में, अगर यहाँ ये मंदिर ने कहा है कि मेरे सामने लाखों लोग हैं तो इन लाखों लोगों की तरफ से
राहत इंदौरी में शरीक होकर आप सबके लिए ये शेर पढ़ा। हर शख्स के दिल में यही है जो मैं कह रहा हूं। कहता हूं कि मैं जब जाऊं तो वहीं आ जाऊंगा, हथेली में जान थोड़ी है। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लग जाए। संपत भाई शेर सुनिएगा। कहता हूं कि मैं जब मर जाऊं, आवाज आ रही ना? हाँ, तो मैंने बोला था कि जब आपके काम की बात शुरू होगी तो बोल दो। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। हमारी तो इसमें कौन सी बात कहती है? बेचारा कह रहा था कि वो ऐसा कहता है, याद ही हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। तो शेरों को पढ़ना है कि जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे। यहां कहा जाता है इंशाल्लाह, जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे। जो आज साहिब मसनद हैं, ये असलम भाई की तरह एक जलसा हो रहा था, असलम भाई की तरह हिंदी के एक बड़े राइटर अशोक चक्रधर वो निजामत कर रहे थे, संचालन कर रहे थे, जिस तरीके से असलम भाई कर रहे हैं। जब मैंने ये कहा कि जो आज साहिब मसनद थे, तो मैंने कहा यार ये साहिब मसनद हिंदी वाले शायद ना समझ पाए। तो मैंने कहा कि अशोक भाई ज़रा ये साहिब मसनद को हिंदी में क्या कहेंगे ज़रा ये बता दीजिए। तो उन्होंने एक परेशानी पर एक उंगली फेरी और कहा कि इसे कहेंगे सत्ताधीश। तो मैंने कहा रहन दीजिए, फिर साहिब मसनद ही ठीक है। तो कहता हूँ कि हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है, हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे। किराएदार है जाती मकान थोड़ी। जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे। किराएदार है जाती मकान थोड़ी है। आखिरी शेर पढ़ता हूं। अफसोस के मीडिया ने, अखबारात ने जो भी जरिया इन्हें मिला, इस शेर को बना दिया कि ये बता दिया कि ये किसी मुसलमान का शेर है, या किसी ने लिख दिया कि ये किसी हिंदू का शेर है। ये मुझे इसका दुख है, इसका अफसोस है। ना तो ये हिंदू का शेर है, ना ये मुसलमान का शेर है। ये हर उस हिंदुस्तानी का शेर है जो अपने वतन के लिए हर वक्त अपनी जान देने के लिए तैयार हो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी किसी भी धर्म का, किसी भी जात का हो, अगर वह हिंदुस्तानी है तो मेरा ये शेर उसका, उसकी आवाज है, उसका शेर है। किराएदार है जाती मकान थोड़ी है, किराएदार है जाती। ये देखो ये वाली आवाज नहीं आ रही होगी आपको, इसलिए कि मैं धीरे बोल रहा हूँ। किराएदार है जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल। यहाँ की मिट्टी में सभी का खून है शामिल, यहाँ की मिट्टी में किसी के बाप का हिंदुस्तान। India's best NEET Institute now in Hyderabad. Shaheen Group of Institutions presents the leading institution for its achievement in NEET results. Hygienic, clean and disciplined smart campus for boys and girls separately. Shaheen Academy, Hyderabad. Our students have attained 1000 plus free government medical seats in the last 5 years. Hurry up. Admissions are now open at Charminar, Aramghar and Malakpet. Hurry up. Now, limited seats available.